अजीबोगरीब घटना में एक चोर को हरियाणा के एक मंदिर में दान पेटी से 5000 रुपए लूटने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ते हुए और देवता के चरणों में 10 रुपए चढ़ाते हुए पकड़ा गया। रेवाड़ी के एक मंदिर में अनोखी घटना सामने आई है। अपराध करने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ते हुए शख्स का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक शख्स खुद को भक्त बताकर हरियाणा के धारूहेड़ा कस्बे में स्थित मंदिर में जाता है। वह एक भोले भाले आदमी की तरह देवता के चरणों में बैठ जाता है और हनुमान चालीसा का जाप करने लगता है। बाद में वह देवता के पास रखी एक किताब पढ़ना शुरू कर देता है। वह एक भक्त की तरह व्यवहार करना जारी रखता है और हनुमान चालीसा का जाप करता है, जबकि अन्य श्रद्धालु मंदिर में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। एक पुजारी को देखने के बाद वह अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकालता है और भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद जब आसपास कोई नहीं होता तो वह कमरे के एक छोर से दूसरी छोर तक अपनी आंखें घुमाता है और दान पेटी से मुट्ठी भर पैसे निकालता है और भागने से पहले उसे अपने कपड़ों के अंदर छिपा लेता है। चोरी का एहसास होने के बाद मंदिर के पुजारी ने संबंधित अधिकारियों को सतर्क किया, जिन्होंने चोर का पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे का निरीक्षण किया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और उस व्यक्ति को पकड़ने की जांच शुरू कर दी है, जो फिलहाल फरार है। हालांकि चोर की डकैती ने नेटिजन्स को हैरान कर दिया है, क्योंकि पूरा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।